हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और चटकारेदार चटनी की रेसिपी, जिसे खाकर आप दो रोटी की जगह चार रोटी जरूर खाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है ये चटनी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी तीखी। कलर देखिए चटनी का कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी अच्छी अच्छी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुकिंग विद बबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए दो कच्चे आम, जिसे कैरी भी बोलते हैं, दो प्याज और चार हरी मिर्च। आम, प्याज और हरी मिर्च को रफली काट लेना। देखिए मैंने तीनों को रफली काट लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चटनी में इतना अच्छा कलर कैसे आया होगा, तो उसके लिए मैंने एक टुकड़ा चुकंदर का लिया है, जिसे हम बीटरूट भी कहते हैं। इसे हम सैलेड में अक्सर खाते हैं। ये हमारी चटनी में टेस्ट तो अच्छा लाएगा ही, और टेस्ट के साथ साथ कलर भी अच्छा आएगा। बीटरूट खाना बहुत ही हेल्दी होता है। बीटरूट यानी कि चुकंदर, ये न्यूट्रिशन से भरपूर एक ऐसा सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, इसलिए इसे हमें जरूर खाना चाहिए। तो अब मैंने लिया एक इलेक्ट्रॉनिक चॉपर, आप हैंड चॉपर भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च और चुकंदर को डाल के एक बार पहले चला लेंगे, और फिर इसमें कैरी यानी कि कच्चे आम के टुकड़े डाल देंगे, और फिर से एक बार चला लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक। चटनी को खट्टा बनाने के लिए हमने कच्चे आम डाले, तीखे के लिए हरी मिर्च, और मीठे के लिए अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी। आप चीनी, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसे फिर से एक बार चला लेंगे। चटनी को हमें दरदरा ही रखना है। देखिए चटनी बनकर तैयार है, इसे मैंने इसी तरह दरदरा ही रखा है। अगर आप इसे बिल्कुल बारीक पीसना चाहते हैं तो इसे आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप इस चटनी को एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और आप इस चटनी को रोटी के साथ, राइस के साथ या फिर स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप इस चटनी को एक बार जरूर बनाकर देखिए, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल कुकिंग विद बबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।